हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अगर आपकी भी रैपिडो आईडी सस्पेंड हो गई है तो दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है और ना ही टेंशन लेने की ज़रूरत है, इसका भी समाधान है। वैसे मैं बहुत टेंशन में रहता हूँ, ठीक है। मैं बहुत टेंशन में रहता हूँ क्योंकि मेरी जो रैपिडो आईडी है वो एक महीने के लिए सस्पेंड हो गई है। तो दोस्तों रैपिडो आईडी सस्पेंड होने के बाद सबसे पहले आपको जो कस्टमर केयर है उस पर कॉल करके उनसे रिक्वेस्ट करना है कि आपकी जो आईडी जो सस्पेंड हुई है उसे वापस चालू कर दें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो रैपिडो का जो लोकल जो टीम लीडर है दोस्तों, जो आपके एरिया का जो टीम लीडर है, आपको उसे कॉल करके जो सिचुएशन है वो आपको बताना है और उनसे रिक्वेस्ट करना है कि वो आपकी रैपिडो आईडी चालू कर दें। अगर दोस्तों उसके बाद भी अगर आपकी रैपिडो आईडी चालू नहीं होती है, अगर आपके यहाँ का जो टीम लीडर है वो अगर आपकी रैपिडो आईडी चालू करने में असमर्थ है, तो आपके पास रास्ता क्या बचता है दोस्तों? आपके पास बस एक ही रास्ता बचता है कि आप जो है कैसे भी करके आपको झेलना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन रास्ता है, आप किसी दूसरे जो आपके जो यार दोस्त है या आपका कोई भाई है उसके पास अगर रैपिडो की आईडी है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। आप किसी दूसरे की रैपिडो आईडी चलाइए, सिंपल सी बात है। जब तक आपकी जो आईडी का जो सस्पेंड आपकी जो रैपिडो आईडी जो सस्पेंड हुई है जितने दिनों के लिए, उतने दिनों के लिए तो आपको झेलना ही पड़ेगा, ठीक है। तब तक आप दूसरे की रैपिडो आईडी चलाइए, है दोस्तों। बस यही एक रास्ता है कि आप दूसरे की रैपिडो आईडी चलाएं जब तक आपके खुद का जो रैपिडो आईडी है उसका सस्पेंड का जो टाइम है वो पूरा नहीं हो जाता, ठीक है दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा। थैंक यू।